हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूसीट यानी कि अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है और इसके लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है मेनली। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको जानना जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने डिस्क्रिप्शन में यूसीट से रिलेटेड यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लास्ट डेट और इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, अगर आप टेक्स्ट में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूसीट का भी फॉर्म अभी आ चुका है जो कि जिसका लास्ट डेट है 10th of October 2021। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूसीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, उसका सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप सिलेबस के एक टॉपिक को समझिए और उस टॉपिक को कैसे आपको प्रिपेयर करना है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो पर्टिकुलरली अगर मैं यूसीट की बात करूं तो यूसीट के क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है इस पार्ट में आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके सब्जेक्ट के नाम तो मैं आपको बताऊंगा ही और आपको भी पहले से पता होगा, लेकिन सब्जेक्ट को पहले ना सेलेक्ट करके पहले आपको ये चीज़ें मेंटली प्रिपेयर करनी है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा कैसे जाए या पढ़ते समय हमारा क्या परसेप्शन होना चाहिए। यूसीट के फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट्स आएंगे उसके लिए आपको क्या क्या कैपेबिलिटीज चाहिए ये पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, यानी कि आप किसी भी टॉपिक पर कितना ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसी में फिर आपका एनालिसिस आता है। देखिए, ऑब्जर्वेशन में ही सारी चीज़ें हैं। जिसने ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे लेवल पर कर लिया वो एनालाइज कर सकता है, वो मैचिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को और उन्हीं के सिमिलर पिक्चर्स को, नंबर्स को। मीन्स यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हर तरह के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ये सब के लिए रहेगा, आपको ये कैपेबिलिटीज अपने में डेवलप करनी है बिफोर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन पेपर्स। तो पहली चीज़ यहाँ क्लियर रहती है। अब मैं आपको टॉपिक्स के नाम बताता हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट हम कहेंगे, तो पहला है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या पूछा जा सकता है या क्या आपको स्टडी करना है एनवायरनमेंट में, वही आपका जनरल जो उसके रिसोर्सेज हैं, क्लाइमेट है, उसके अलग अलग जो कंडीशंस हैं, वेदर है, पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पॉल्यूशन है, तो इस तरह के टॉपिक्स जो जितना कुछ भी एनवायरनमेंट और उसके अवेयरनेस से रिलेटेड जो कुछ हो सकता है वो आपको और उसके बारे में नॉलेज गेन करना होगा। दूसरा टॉपिक आता है लॉजिकल एंड रीजनिंग। तो लॉजिकल और रीजनिंग में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल भी और किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के क्वालिटी वाइज, कैरेक्टरिस्टिक वाइज, डिफ्रेंशिएटिंग एंड मैचिंग या मैनिपुलेशन, तो वो सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है, इसमें आपका मैथ भी शामिल है। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। इन सब के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा, ठीक है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी फेमस हैं, उनके लोगो क्या क्या हैं, उनके टैगलाइंस क्या क्या हैं, स्लोगन्स और उनके पोस्टर्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं, वो सब आपको ऑब्जर्व करना चाहिए और लिस्ट बनाते हुए उनको स्टडी करना चाहिए। कैसे करना है वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में भी बताऊँगा, क्योंकि हम इस चैनल पर हर तरह के डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और क्लासेस देते हैं, जिसमें आपका स्केचिंग मेनली आएगा, स्केचिंग एंड पेंटिंग। तो उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, अब इस डिज़ाइन में प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आएगा, यानी उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन और जो छोटे छोटे उसके एलिमेंट्स हैं उसके बारे में आप पहले स्टडी कर लीजिए, ताकि आपका परसेप्शन क्लियर रहे डिज़ाइन टॉपिक के लिए और डिज़ाइन फील्ड के लिए भी। तो अगला टॉपिक है हमारा करेंट अफेयर्स। और ये जो करेंट अफेयर्स है, ये जनरल जो करेंट अफेयर्स होते हैं वो तो आपको स्टडी करना ही है, बट ज़्यादातर आपको डिज़ाइन से रिलेटेड अपडेट्स लेने हैं, यानी कि आज के टाइम में जो नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनका डिज़ाइन क्या है, उनके लोगोस या उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको स्टडी करने को मिलेगा, आपको रिसर्च करनी चाहिए डिज़ाइन से रिलेटेड और न्यूज़ पढ़नी चाहिए, और इसमें जो इसकी जो अवेयरनेस है इसका हमारे कल्चर पर और हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इफ़ेक्ट है, डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स के जो हिस्ट्री है इसे आपको स्टडी करनी होगी।
तो लास्ट आपका टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश का जो ग्रामर है और उससे रिलेटेड आप जितना कुछ अंडरस्टैंडिंग है अपना अपना कम्युनिकेशन स्किल है वो सब जितना आप डेवलप कर सकते हैं कर लीजिएगा। और अपना जो इंग्लिश वोकैबुलरी जो होता है यानी कि वर्ड पावर वो आपको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो तो आपका इंग्लिश में ही आना है। तो अगर आप लैंग्वेज यानी कि जो लास्ट जो आपका टॉपिक मैंने बताया अगर इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेते हैं या आपका पहले से अपना इंग्लिश स्किल अच्छा है तो यकीन मानिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपको और ज़्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, अब आपका जो सेकेंड पार्ट होता है इसमें क्वेश्चन आता है आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो होगा स्केचिंग का। और स्केचिंग में कभी कलर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, तो आपको पर्सपेक्टिव ड्राइंग एंड प्रोपोर्शंस और मेमोरीज एंड सीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स या किसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन द स्केचिंग, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब आप हमारे अगले वीडियोज़ देखिएगा जिसमें मैं आपको आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आप कंबाइंडली यूसीट एनआईडी एंड एनआईएफटी इन तीनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको मोस्टली जो क्रिएटिव जो पार्ट है वो आपको प्रिपेयर करने को मिलेगा।